मुझे इतना रोना आ रहा है। ये देखिए गुड मॉर्निंग माई YouTube फैमिली, जय बद्री विशाल आप सभी को। और ये है मेरे यहाँ का सुबह का मौसम। मैं आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने और जल चढ़ाने, और मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लगता है। आज फिर भी थोड़ा देर हो गई है, किसी और दिन मैं आपको प्रॉपर सनराइज़ का मतलब सूर्योदय का पूरा दिखाऊंगी यहाँ पे कि कितना अच्छा और कितना प्यारा लगता है मॉर्निंग में। और यहाँ तो कपड़े डाले हैं मैंने, कितना प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे देखिए गाइस। और ये देखिए, ये है वो गुरुद्वारा जिसका व्लॉग मैंने कल डाला था, तो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेक कर लेना जहाँ पर मैं गई थी। और बहुत बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। क्या लगा होगा ये, पता नहीं क्या है। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पराठे, जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे पनीर की सब्जी से ज़्यादा अच्छा पनीर के पराठे लगते हैं। और मैं साथ में बनाऊंगी चटनी, जिसके लिए मैंने धनिया, प्याज, टमाटर, मिर्च मैं और भी लूंगी, और पुदीना लिया है, तो मैं पुदीने की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ये स्टफिंग तैयार कर ली है, इसमें मैंने नीचे ये पनीर है, फिर इसमें मैंने हल्का हल्का चॉप करके प्याज डाला है, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये हो गई मेरी स्टफिंग। देखिए गाइस, प्याज काटते काटते मेरी हालत देख सकते हैं आप कैसी हो रही है। गॉड, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं तो जब भी प्याज काटती हूँ मुझे इतने आंखों में आंसू आते हैं, जबकि मैंने वो इतनी देर से पानी में भिगो के रखे थे उसके बावजूद भी। तो चलिए फटाफट पराठे बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चटनी सुबह पराठे के साथ खाने के लिए, और आज मैंने बनाए पनीर के पराठे। मेरे हस्बैंड को चटनी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो प्याज, दो टुकड़े लहसुन के, साथ में मैंने चार मिर्च जो है काट के यहाँ पे डाल रही हूँ, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ दो टुकड़े अदरक के, मैंने थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया, साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर, क्योंकि नींबू नहीं है तो मैं उसकी जगह पर टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, या फिर अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। बस अब मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, क्योंकि ये पुदीने की चटनी है तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी डालूंगी, मतलब थोड़ी खट्टी मीठी चटनी होगी तो टेस्टी होगी। तो बस ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, और थोड़ी सी बस मैंने इसमें चीनी डाली है। तो इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जीरा पाउडर। आप जीरा को भून सकते हैं, अगर पाउडर नहीं है तो भूनने के बाद आप उसे पीस लीजिएगा, और वो पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, भुना हुआ जीरा इसमें डाल दें क्योंकि मिक्सी में तो वो पीस ही जाएगा ऑटोमेटिकली। बस अब मैं इसमें दो चम्मच पानी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, और अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब मेरी चटनी हो चुकी है रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे दरदरा ही पीसा है, मतलब बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार नहीं किया है, क्योंकि चटनी अगर थोड़ी सी ऐसी हो तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब मैं इसे एक टिफिन में रख दूंगी और फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी, तो ये आगे मेरे
मतलब ज़्यादा नहीं पर 5-6 दिन आराम से यूज़ हो जाएगी। तो आप भी ऐसी चटनी बनाकर रख सकते हैं और बाद में फिर आप वो पराठे के साथ, पुलाव के साथ। तो बस अब आप इसे स्टोर करके रख लें। ये देखिए, ऐसी किसी टिफ़िन में आप स्टोर करके रख लें और आराम से आप 1 हफ्ते तक इसे इंजॉय कर सकते हैं। बस अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रख दूँगी। तो हे गाइस, मैंने भी अपनी प्लेट लगा दिया। ये है पनीर के पराठे और यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी चटनी और साथ में मैं ले रही हूँ चाय, क्योंकि जब तक मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी तो वो मेरे गले से नीचे नहीं जाता। गाइस, हम पहाड़ियों के लिए चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मैं ये खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। ओके, ओ गॉड, मुझे इतनी भूख लग रही बनाते बनाते ना। हेलो फ्रेंड्स, तो बस ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और अब मेरे पास कुछ काम होता है थोड़ा सा, मैं वो करती हूँ। और इसके अलावा जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अकेली ही होती हूँ घर पर, तो मैंने अपने लिए भी कुछ काम ऑनलाइन ढूँढे हैं और वही मैं करती हूँ। तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस क्वार्टरली पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अब मार्च में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे लिए ऑप्शन होता है कि मुझे दोबारा वो काम करना है कि नहीं। इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल आऊँगी मतलब। और तो बस मुझे वो काम करना होता है जिसमें मैं अपने मैक्सिमम मुझे 5 से 6 घंटे देने से ज़्यादा नहीं। और ठीक है, यही है मेनली जो मेरे काम है। और सारा दिन मेरा ऐसे ही निकलता है, थोड़ा बहुत मैं पहले घर का सारा काम करती हूँ, उसके अलावा मुझे बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हेलो गाइस, ये है लंच टाइम और मैं बनाने लगी हूँ दाल। ये है अरहर की दाल और ये हम सबके किचन में होती ही है, कई शहरों में इसे तोर की दाल भी बोलते हैं। और अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो अदरवाइज हफ्ते में 4 दिन तो ये दाल जरूर बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम इस वाली दाल को डेली बनाते हैं तो हम ना बोर हो जाते हैं, हमें लगता है अरे नहीं यार, क्योंकि इसका टेस्ट फिर एक जैसा, अगर किसी चीज़ को आप रिपीटेडली खा रहे हो तो फिर वो बात नहीं होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको आज इस वाली वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं यहाँ पर। तो बस मैं थोड़ी सी दाल लूँगी, तो पहले मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। दाल को अच्छे से वॉश कर लिए और अब मैंने साथ में इस दाल को बनाने से पहले मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है। यह है सोयाबीन की दाल, तो आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे इसे हो चुकी है और ये कितने अच्छे से फूल गई है। तो अब ये वाली दाल आप देख सकते हैं भिगोने के बाद कितने अच्छे से फूल गई है। और अब मैं ये वाली दाल इसमें मिलाऊंगी और फिर मैं इसे बनाऊंगी। ये मैं सारी नहीं मिलाऊंगी, इसको बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको मिलाना है। तो मैंने ज़्यादा इसलिए भिगोई है क्योंकि मैं इसको एज अ स्नैक्स भी शाम को चाय के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी इसके साथ 2-3 चीज़ें और मिलाकर, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। तो हफ्ते में एक बार मैं ऐसे खा लेती हूँ मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा, जैसे आप देखिए ठीक है। बस अब मैं इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाऊंगी। जैसे भी दाल खाना आपको पसंद है, कुछ लोगों को ज़्यादा पानी, दाल में ज़्यादा पानी पसंद है जैसे कि मैं, और कुछ को कम, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैंने इसमें ये 2 ग्लास पानी मिला दिया है। साथ में इसी में मैं ये टमाटर भी मिला दूंगी क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ये दाल बना रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। और बस अब जो भी मसाले ऐड करने होते हैं मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, फिर मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक, और साथ में मैं इसमें मिला दूंगी हल्दी। यही है, यही मसाले मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। तो गाइस, ये दाल उबल चुकी है और ये देखिए कितने अच्छे से ये दाल मैंने उबाल दी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ एकदम सिंपल तरीके से, और मैं इसमें ज़्यादा मसाले का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी जैसे कि आपने देख ही लिया। अब मुझे लेनी है सिंपल सी कढ़ाई और इसमें मैं ये दाल डालूंगी। आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ। तो हे गाइस, अब मैं दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ घी का, जो कि मैं घर पे भी बनाती हूँ। तो जो भी आपके घर पे घी अवेलेबल है, तो ये इसमें मैंने घी डाल दिया है। और यहाँ पर घी जो है वो थोड़ा सा गर्म होने लगा है, आपने देखा होगा मैंने दाल में किस तरह का तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे घी थोड़ा सा गर्म होने लगे तो अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, और अब मैं इसमें डालूंगी साथ में ये मिर्च। तो बस अभी अच्छे से गर्म हो चुका है जैसा कि आपको दिख रहा है।
वीडियो में। बस अब मैं इसको दाल में मिलाऊंगी और ये लगा है एकदम जबरदस्त वाला तरीका तड़का। तो बस अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गर्म हो चुके लूँगी। तो गाइज ये दाल में देखो मैंने तड़का लगा दिया है। अब ये धनिया जो है काटा हुआ है, तो बस अब मैं आप इस दाल में ये मिला दूंगी और ये बन चुकी है एकदम देसी स्टाइल वाली दाल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये है दाल, और ये वाला जो दाल का टेक्स्चर है वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हमें बहुत गाढ़ी दाल पसंद नहीं है और हमें पतली दाल थोड़ी अच्छी लगती है, तो ये बेस्ट है चावल के साथ खाने के लिए। तो गाइज ये मेरी दाल रेडी हो चुकी है और इसमें है सब्जी, हरी सब्जी मैंने बनाई है और ये है चावल। तो जैसे कि आपने देख ही लिया मेरा ऑलमोस्ट रूटीन जो क्या है, तो सुबह का आपने देख लिया, दिन में मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस से घर आना होता है और बाकी के 5 से 6 घंटे मैं जो है अपने ऑनलाइन काम को देती हूँ। ऑप्शनेबल है कि मुझे किस वक्त देना है, बस मुझे मैक्सिमम 5 आवर्स 6 आवर्स तक देने होते हैं और मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ उस काम को क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। और बस बाकी का जो टाइम बचा है गाइज वो मैंने यूट्यूब पे लगा दिया। अब तो जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो सीरियसली मुझे बिल्कुल टाइम, मतलब और किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं लग रहा। मैं अपने आप को बिज़ी रख, मतलब मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मेरा एकदम फिक्स हो गया है कि अब मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और अब टेंशन भी हो गई है क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मुझे यूट्यूब पर मिल रहा है, तो अगर मुझे इतनी ऑडियंस देख रही है तो उनकी भी होता ही है कि आप नेक्स्ट क्या अपलोड करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हाँ मुझे जल्दी से एक और वीडियो लेकर आनी है। तो बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और कुछ मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ भी लेकर आती हूँ, कुछ हेयर केयर टिप्स के रिगार्डिंग और कुछ ब्यूटी टिप्स, और इसके अलावा चाहे वो स्टडी को लेकर हो या फिर कुछ और, मैं सब कुछ शेयर करूँगी जितना मुझे आता है, जितना मैंने अब तक सीखा है। हो सकता है मेरी वजह से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि सब लोग जहाँ भी हैं खुश रहें, मस्त रहें एकदम, और सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलें। और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, और अपना रखिए ढेर सारा ध्यान, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।